बरेली में दारोगा साहब घूस लेते गिरफ्तार हुए हैं। एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों चौकी के अंदर उन्हें पकड़ा। उनके पास से घूस की रकम बरामद हुई है। कैमरे से बचने की कोशिश करते और अपना मुंह छिपाते दारोगा साहब, ये तस्वीरें यूपी के बरेली की हैं, जहां दारोगा बाबू को घूस मांगना महंगा पड़ गया। काकर टोला पुलिस चौकी में तैनात योगेश कुमार गौतम को घूसखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इनकी इस कारस्तानी से पुलिस महकमा शर्मसार हुआ। एंटी करप्शन की टीम ने 10,000 रुपए की घूस लेते पुलिस चौकी से रंगे हाथों इन्हें गिरफ्तार किया। दारोगा पर आरोप है एक केस से नाम हटाने के एवज में उन्होंने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। दारोगा की डिमांड से परेशान शख्स ने इसकी शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों से की, जिसके बाद एंटी करप्शन की टीम ने दारोगा को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाया और फिर पुलिस चौकी के अंदर ही उसे रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। योगेश कुमार गौतम ने जो थी मुझसे उसमें मेरे भाई शाहरुख का नाम हटाने और 354 धारा हटाने के लिए एवज में जो थे 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें मैंने शारिक भाई से शिकायत करी। शारिक भाई ने मुझसे एंटी करप्शन से मिलवाया, जिसके तहत ये कार्रवाई हुई है। 10,000 रुपए देते हुए ये पकड़े गए। विजिलेंस की टीम ने दारोगा के पास से घूस की रकम बरामद की। 500 के कई नोट बरामद किए गए। फिलहाल दारोगा पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर जेल भेज दिया गया। 29 तारीख को मेरे पास मोबाइल ने शिकायत की, मैंने इसकी जांच कराई। जांच कराने के बाद अपने अधिकारियों को सूचना दी, ट्रेप टीम बनी और आज मोबाइल से 10,000 रुपए लेते हुए इनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अपने ही काले कारनामे के बाद दारोगा साहेब मुलजिम बन गए। अब अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने वाले दारोगा खुद अब अपराधी बनकर सलाखों के पीछे पहुंच गए। टीम न्यूज़ स्टेट।